अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी डीडी रिएक्ट की, और आज की वीडियो उनकी है पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक। आइए मिलकर देखते हैं उनकी ये जबरदस्त सी वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो क्रिकेट से जुड़ा है। अब कल भारत ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया और 300 से ज्यादा रनों से हराया। अब इस पर पाकिस्तान की मीडिया जो है वो भड़क गई। भाई भारत का रिकॉर्ड अभी 6-0 का हो गया ना, शायद 6-0 का हो गया। अब इस पर पाकिस्तान की मीडिया जो है भड़की हुई है, और वहां पर ना अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं। तो उमर अफजल हैं जो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो है कि पाक मीडिया शेमफुल रिपोर्टिंग इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच वाज फिक्स्ड, समथिंग कुछ ऐसी बात की जा रही है। इसके अलावा भी और कई बातें की जा रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि आखिर, खैर वैसे पाकिस्तान के लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, मतलब मैं उनको छूट देता हूँ कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं। मैं सुनाऊंगा आपको, चले भी वीडियो देखते हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी का मुकाबला ना कर सको तो तब आप अगले को नीचे गिराना शुरू कर दोगे। तो ऐसा ही पाकिस्तानी मीडिया, ऐसे ही पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ये बातें। देखें, इंडिया इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, 7 में से 7 जीत, और हर मैच वो सिंगल हैंडेडली जीते हैं और फुल डोमिनेट करके वो अच्छा 7-0 हो गया है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 6-0 मैंने कह दिया, मुझे लगा शायद कि 6 मैच है। बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा मैं, बस इंडिया वाले मैचेस होते हैं तो एक आध मैच देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मतलब इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वक्त की कमी है। चलिए 7-0 है, मैच जीते हैं, मतलब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं, किसी का अब्बा भी ना, किसी का बाप भी आगे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के आस पास नहीं पहुँच सकते तो आप फिर उसको गिराना शुरू कर देते हो, पर नाम है तो बदनाम है, ये चीज़ें तो होंगी। भाईजान, पाकिस्तानी मीडिया ने ये बात कर दिया कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था। अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, पूरी बात चल क्या रही अभी पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया ने 55 पे आउट किया श्रीलंका को। इससे पहले इसी इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने, इसी इंडियन टीम ने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 50 पे आउट किया था, तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने ये बात बोली थी कि यह मैच फिक्स है, ये मैच फिक्स था, और फजूल बात थी वो, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी उस बात में, और बकवासियात थी। और फिर आज ये बात बोली गई है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच जो है वो फिक्स था, और फिक्स करवा के जो है इंडिया ने मैच जीता। देखो, मेरी एक बात सुनना, फिक्स वाली बात आपको बताता हूँ कि क्या चल रही है। उससे पहले ना मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना, इंडिया इस वर्ल्ड कप में कितने मैच खेली है इससे पहले? 6, और 6 में से वो 6 जीत चुकी है, और 6 में से वो पता किस किस टीम को हरा के आ रही थी? न्यूजीलैंड बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, पाकिस्तान को मैं थोड़ी बड़ी टीम नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ी टीमें जो है वो इस तरह कुत्तू की तरह हारती नहीं है छोटी छोटी टीमों से, ठीक है। देखो, बात मैं आपको एक बताऊंगा कि पाकिस्तान तो इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान का तो घंटा बाज रहा है इधर, आप उनके मुकाम तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मकसद है कि आप उनको जलील करोगे, आप उनको नीचे गिराओगे। शर्म तो नहीं आती पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को? सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए आप किसी की इज्जत का तमाशा बनाना शुरू कर देते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास इंडिया ने ये मैच फिक्स किया? ये प्रूफ है कि जी श्रीलंका ने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए, इस श्रीलंका की टीम में से कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं? महेश तक्षणा को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं जरा मुझे बताना? इस श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में दुष्मिता चमीरा और महेश तक्षणा और एक आधा और प्लेयर्स को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं मुझे बताना जरा? और इंडिया अगर किसी टीम को 55 पे ऑल आउट कर दे, या इंडिया किसी टीम को घंटा बजा दे किसी का पकड़ के, तो फिर क्या होगा जी, मैच फिक्स था? पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में क्या कर रहा है मुझे अपनी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बताओ। फील्डिंग हमारी खराब है, बैटिंग हमारी खराब है, कप्तानी हमारी घंटे की खराब है, और बॉलिंग में तो हम बिल्कुल ही एस पैस चुस्मुस हुए पड़े हैं।
इंडिया की बॉलिंग देखिए जरा, इस वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट ट्रायो देखना अगर आपने, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये तीन बंदे हैं किसी भी बंदे बल्लेबाज को, किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को दो मिनट में लुढ़क फुड़क कर देंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है। न्यूजीलैंड का उन्होंने घंटा बजाया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड का घंटा बजाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान का घंटा बजाया हुआ है, आज उन्होंने श्रीलंका का घंटा बजाया है। यह वही श्रीलंका है ना जिसे पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ने 350 खाया था। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में वर्ल्ड क्लास वाले चक्कर कोई नहीं होता। उनकी उनकी टीम है ना, सबसे पहले देख रहे थे कि हम मैच जितवा सकते हैं टीम को कि नहीं। उनकी बॉलिंग में वर्ल्ड क्लास, थर्ड क्लास कुछ नहीं होता। उनकी 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 टीम में टीम मैन होते हैं सारे, एक पेज पे हैं, खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे भी इकट्ठे, जीतेंगे भी इकट्ठे। पाकिस्तान की तरह नहीं है जी, मुझे कप्तानी चाहिए जी। उधर इंडिया वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है, उधर इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहा है, और इधर हम जो है वो कप्तानी के लिए खेल रहे हैं जी। मनु कप्तानी चाहिए जी, जी मनु कप्तानी चाहिए। मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा उतार के ना फेंकूं आपकी शक्ल के ऊपर। ये किसने बकवास किया कि मैच फिक्स था? नहीं, क्या मैच फिक्स था? इस श्रीलंका से मैच फिक्स करवाना है? इस श्रीलंका को बोलो 6 बार बारी ले ले और 350 बना दे, नहीं बनाएगी। और बेटा सिराज को देख के उनका पेशाब निकल जाता है, पता नहीं सिराज ने क्या सोच लिया हुआ है। मतलब मोहम्मद सिराज को देख के श्रीलंका वालों का पेशाब निकल जाता है। मोहम्मद शमी भाई जान 3 मैचों में 14 विकेटें, जसप्रीत बुमराह 3 से लेस की इकॉनमी है उसकी, बंदा वो पावर में सिंगल भी नहीं देता। ऐसी टीमें मैच फिक्स करेंगी? बेटा पाकिस्तान की गेम नहीं हो रही। हाँ पाकिस्तान फिक्स करता तो मैं कहता भी फिक्स करवा लो, शायद जीत के सेमीफाइनल में चले जाएं। पाकिस्तान को फिक्सिंग की ज़रूरत है। वैसे फिक्सर्स तो पाकिस्तान से निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच फिक्स भी करवा सकता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस टाइम जो है वो फिक्स करवा के एक आधा मैच हम जीत जाएं और आगे पीछे कुछ हो जाए। लेकिन बदनाम ना किया करो किसी को, लिटरली किसी को बदनाम ना किया करो। इस टीम में देखो विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए खेल रहा है, उसकी इस वर्ल्ड कप में 1 सेंचुरी है, और 3 बार वो सेंचुरी करता करता रह गया। एक बार ऑस्ट्रेलिया, फिर एक बार न्यूजीलैंड, और फिर एक बार श्रीलंका, और तीनों बार उसने टीम का सोचा है। मेरी जान अगर वो अपना सोचता ना तो आज विराट कोहली की इस वर्ल्ड कप में 400 होते, आज विराट कोहली के इस वर्ल्ड कप में 400 होते, 400। और आज इस वर्ल्ड कप का वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं, दूसरे नंबर पे तो है, लेकिन आज वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर होता, इंशाल्लाह हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाएगा, लेकिन 400 उसके होते, लेकिन वो मेरे घंटे का किंग नहीं है ना। क्या मेरे घंटे के किंग की तरह वो अपने बारे में सोचे? उसने टीम के बारे में सोचना। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला हुआ है कि बेटा अपने 100 नहीं मैं करने आया, मैं करने आया हूं तो क्या करने आया हूं, वर्ल्ड कप जितवाने आया हूं। हमारे पाकिस्तान में बातें चल रही हैं जी, मीडिया में, न्यूज चैनल के ऊपर पट्टियां चल रही हैं कि जी इंडिया ने मैच फिक्स किया हुआ है जी, इंडिया फिक्स करके खेल रहा है। इंडिया अफगानिस्तान भी फिक्स था, इंडिया बांग्लादेश भी फिक्स था, इंडिया श्रीलंका भी फिक्स था। शर्म तो नहीं आती आपको भाई? 2010 में फिक्सिंग इंडिया ने की थी या पाकिस्तान ने की थी? 2010 में इंग्लिश मीडिया ने में इंग्लैंड में पाकिस्तान की इज्जत का तमाशा निकला था या इंडिया की इज्जत का तमाशा निकला था? अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे पास मालूमात है और जितनी सबके पास है बेटा, इज्जत का तमाशा पाकिस्तान का निकला था और अभी तक निकल रहा है। आज भी अगर फिक्सर्स की बात की जाती है ना तो पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है, फिक्सर्स की अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है। देखो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको, अगर खुद ठीक हो ना, अगर खुद ही नहीं ठीक तो दूसरे में बात करने का क्या क्या राइट है आपके पास कि इंडिया ने ये मैच फिक्स किया है? बेटा
वो 7 में से 7 जीत के सेमीफाइनल में चले गए हैं। उनके 2 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका वाला और एक नैदरलैंड वाला। साउथ अफ्रीका वाला अगर आगे पीछे हो भी जाता है, जबकि मुझे नहीं लगता होगा, नैदरलैंड वाला वो जीत जाएंगे 8 मैच में, फिर भी जीत जाएंगे। और आप तो सेमीफाइनल में नहीं जा रहे, आप में तो जी लोग ये बातें भी करते हैं कि जी इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर हैं। बेटा भागते हुए स्पिनर और गली गली में घूम रहा है जी पाकिस्तान में, मेरा दिल कर रहा है छिपेड़े मारूं मैं ऐसे लोगों की शक्ल के ऊपर जो क्रिकेट को देखते तो हैं लेकिन क्रिकेट को समझते नहीं है। मोहम्मद आमिर ने कल एक शो में बोला तो पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाएगा, सेमीफाइनल में पाकिस्तान हराएगा इंडिया को, तो मैं इरफान पठान की तरह नाचूंगा। बेटा तू नाचेगा सही, लेकिन इंडिया की हार पे नहीं नाचेगा, तू इंडिया की जीत पे नाचेगा 19 नवंबर 2023 को, जब रोहित शर्मा कप उठाएगा। और तुझे भी एज आ क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर तुझे भी पता है कि इस टाइम इंडिया इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट लग रही है, लेकिन तुम ये बकचोद बाजियां, ये रंडी रोना आप सब करोगे कि किसी तरह इंडिया को बैकफुट पे किया जाए। बैकफुट पे इस तरह टीमें नहीं होती फिक्सिंग के। चलिए बातें हो गई करीब करीब। देखिए ये तो बिल्कुल कोई फिक्स नहीं कर सकता कि 19 तारीख को रोहित शर्मा कप उठा लेंगे, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी इक्वेशन है। अच्छा एक बात कहता हूं मैं, मान लीजिए किसी तरह रोते पिटते घिसटते पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुंच जाती है, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल छोड़िए, पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंच जाती है, अरे छोड़िए पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत लेती है, क्या तब भी पाकिस्तानी मीडिया कहेगी कि मैचेस फिक्स हो रहे हैं? एक कहावत है हमारे यहां, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत मैंने क्यों कही है, ये मैं आपको पहले समझाने से पहले मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही एक डिबेट दिखाता हूं कि उसमें किस तरह की बातें की जा रही है। देखिए यहां पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या पर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्शन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में, अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट चलने शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे, बैटर्स आउट हो रहे थे, तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में, जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू का, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए जिस तरह से। सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉलिंग चाहिए क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में, और फिर कीपर जो है के राहुल यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोटिंग कोई एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोटे, हाँ कोटिंग जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे ताकि पता लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला यही बॉल, एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए, इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए, तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो, तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक्को शुबार लग रहे हैं, मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। देख लिया आपने, मतलब ये क्रिकेटर हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जी बॉल बदली जा रही है, इंडियन टीम को दूसरी बॉल दे दी जाती है और विपक्षी टीम को दूसरी बॉल दे दी जाती है, तो अब आप समझे कि मैंने ये कहावत क्यों कही कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा अभी और चीज, तो आप सिलसिला देखिए, इनका कोच मिकी आर्थर कहता है कि वो जी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी कहता है कि जी दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बज रहा, आप समझ रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं? ये बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं अपनी नाकाबिलियत को छुपाने की, अपनी खराब परफॉर्मेंस को छुपाने की। अच्छा एक फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के तो यहां तक कह बैठे कि जी यूज्ड पिचेस दी जा रही हैं पाकिस्तान को खेलने के लिए, जैसे पिचेस ना हुई, अच्छा मेरे दिमाग में कुछ और आ गया कि यूज्ड, खैर मतलब ये तो हद दर्जे का बहाना है ना यार, उसी पिच पर दूसरी टीम भी खेल रही है वो आपको ठोक दे रही है, उसी पिच पर
दूसरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनके बॉलर्स भी चल रहे हैं, उनकी बैटिंग भी चल रही है, और आप नहीं चल रहे, ना आपकी बॉलिंग चल रही है ना आपकी बैटिंग चल रही है, और आप कह देंगे जी फिक्स है मैच। इसलिए मैंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जिन लोगों को इस मुहावरे का अर्थ नहीं पता, उसको मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूं कि क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको परफॉर्म करना नहीं आता, तो आप पिच में नुक्स निकालोगे, आप स्टेडियम में बैठे लोगों में सपोर्ट में नुक्स निकालोगे। अरे भाई मैच इंडिया में हो रहे हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे मिलेगा? यहां पे 2-4-10 लोग होंगे, बाहर से कुछ लोग आए होंगे, इंडिया के दर्शकों के सामने तो आप नगण्य हो ना, जीरो आप लोग। या इंडिया अगर पाकिस्तान में खेलने जाती है तो वहां पर जो सपोर्ट मिलता है तो पाकिस्तान के सामने हमारा सपोर्ट जीरो होता है। अब इंडियन टीम ये बहाना बहाना लगे, नहीं नहीं वहां पे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बड़े लोग थे हमारे अगेंस्ट थे, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बहानेबाजी है, सिर्फ बहानेबाजी है और कुछ नहीं, एकदम हद दर्जे की बहानेबाजी। आप लोग कमेंट में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अच्छा अब अगला वीडियो, एक और वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो है हिंदुस्तान मेरी जान का, पाक मीडिया एंड रमीज राजा शॉक टू सी इंडिया बीट श्रीलंका, ये भी वीडियो देख लेते हैं, ये इसमें क्या बातें कही जा रही, थोड़ी एक्सपर्ट लोग अच्छे वाले हैं, देखते हैं। इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी, लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोन के आगे गए हैं, ये वन साइडेड ही हराते चले, 6 विकेटों से 7 विकेटों से 8 विकेटों से 100 रन से 302 रन से। और देखिए इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया, आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखे इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर जामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये दो नए बॉलर्स को ना बॉल के बॉलर्स को आराम आराम से खेला, मैं आके उसके बाद जो तीसरा आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है किसी अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका, इंडिया इनविंसिबल है आपको इस वक्त नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड, कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बाकी दो मैचेस। मेरा नहीं ख्याल जो जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं, आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी हमने यही देखा 50 पे ऑल आउट हो जाना, आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना, लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए हैरानी की बात ये कि महिला जयवर्धन ने इनके एक तरह से मेंटर या कोच कह रहे हैं और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 डिसीजन ले लें, ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है, तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी, यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत क्वालिटी हो गई है, कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं, मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है, यानी कि तीन बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और
हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है, ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस। और किसी को इजी ना लेना और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे, आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा मैं इस पे कहना चाहूंगा कुछ। आप देख रहे हैं लैंग्वेज, आप देखिए लैंग्वेज कैसे यूज की जा रही है कि मोहम्मद शमी मतलब उनको बेंच पर बिठाया गया था चूंकि वो मुसलमान हैं, मतलब ये झलक रहा ना चीजों से, उनको बिठाया गया था, और हार्दिक पांड्या अगर चोटिल नहीं होते तो फिर मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं मिलता, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। भाई आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि चुनना मुश्किल हो जाता है, और हार्दिक पांड्या के पास प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक अच्छे बॉलर हैं और एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मोहम्मद शमी में और हार्दिक पांड्या में यही फर्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद शमी उतने कैपेबल नहीं है। मोहम्मद शमी कितने कैपेबल हैं वो उन्होंने दिखा दिया। मोहम्मद शमी की बॉलें जो है ना वो गोली की तरह जा रही थी और ब्रह्मोस मिसाइल की तरह इधर उधर जा रही थी, जिधर चाहे उधर घुमा रहे थे, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह। तो हमारा एक एक प्लेयर जब भी जरूरत पड़ती है तब तब वो अपनी पूरी ताकत लगा के परफॉर्म करता है और उस परफॉर्मेंस का आपको रिजल्ट भी दिखता है। तो आप लोग ये कैसी बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि जी बेंच पे बैठे हुए थे, अरे भाई 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं और उस वक्त की कंडीशन के मुताबिक जो बेस्ट 11 होगी वो टीम उतारी जाती है। तो आप सोचिए कि हमारे पास जो ओवरऑल टीम है, जो 15 प्लेयर गए होंगे, 16 प्लेयर गए होंगे, वो पूरे भारत के बेस्ट प्लेयर्स हैं तब वो गए हैं और कोई किसी से कम नहीं है। हाँ कॉम्बिनेशन क्या बैठेगी उस मैच के लिए वो कप्तान पर और बाकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि सामने टीम कौन सी है और उन्हें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। अगर उन्हें ज्यादा ऑलराउंडर चाहिए तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगी, अगर उन्हें बोलर्स ज्यादा चाहिए, फास्ट बोलर्स ज्यादा चाहिए तो उस तरफ कॉम्बिनेशन बैठेगी, अगर उन्हें स्पिनर्स ज्यादा चाहिए तो उस तरह कॉम्बिनेशन बैठेगी। तो किसी ना किसी को तो बाहर बैठना पड़ेगा। अब इसका आप ठीक राइए फोड़ेंगे, नहीं वो तो हार्दिक पांड्या नहीं होते तो जी शमी को मौका ही नहीं मिलता, ये तो मतलब कि जी बिग बैंग ना हुआ होता तो आज ये पूरी दुनिया ही नहीं बनी होती, ये कुछ वैसी बात हो गई। फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दे, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप, इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने, क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज। की बोलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही, मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करो। 342 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं ये कह रहा हूँ जो चीजें समझने वाली है ना अली, वो जरा आप समझा करें कि आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे हैं। कम स्ट्रेंथ है तो आपने टांगे तोड़ देनी उसकी, ताकि दोबारा आगे आने वाले मैचेस में दूसरी टीम को मैसेज मिल जाए कि भाई क्या होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली यहां पे ये हुआ कि उनके स्पिनर को बोलिंग में कुलदीप को आप नहीं देख सके, वो कितने टन करते हैं। अली क्या पूछ रहे थे आप पूछ लीजिए, आप ये बार बार इशारा कर रहे थे क्या ब्रेक लेना है? ले लेना ब्रेक, आप बीच में आपका मसला ये है कि आप मोमेंटम तोड़ देते हैं सारी गेम का, ले ले ब्रेक भाई। मैं क्यों आया हूं यहां? चलिए दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, ये बात सही। देखिए कितने पॉइंट की बात है, मैं कुलदीप यादव का नाम मिस कर रहा था। कुलदीप यादव को जब मौका मिला तब उन्होंने क्या किया, आपने पिछले कुछ मैचेस में देखा आपने क्या जबरदस्त पारियां के उन्होंने निपटाई कईयों की, उनकी बॉलें इतना टर्न हो रही थी समझ नहीं आ रहा था, गुगली मतलब समझ भी नहीं आ रहा था बल्लेबाजों को। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताता हूं, आप सोचिए कि पाकिस्तानी मीडिया मतलब वहां के लोग बेसिकली क्या कहूं मैं, वहां की मीडिया पर चर्चा यह चल रही कि शमी जब 5 विकेट ले लिया उन्होंने, वो जमीन पर जब बैठे, थका हुआ आदमी होता है, बॉलिंग कर रहा था पूरी ताकत लगा के होता, वो घुटनों के बल बैठे। नॉर्मली हम लोग भी तो कई बार हुआ है कि मैं खेलते हुए घुटनों के बल ऐसे बैठ के ऐसे हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि वो आपको तस्वीर दिखाऊं। इसको पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है
कि वो सजदा करने जा रहे थे। आप समझ रहे हैं? अब इसको इन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, इसमें भी हिंदू मुसलमान घुसा दिया। वो सजदा करने जा रहे थे और फिर एकाएक उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने सजदा रोक दिया। इस शक की निगाह से आर्टिकल दिए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और इसकी चर्चाएं हो रही हैं। कहां शमी की बॉलिंग की चर्चा होनी चाहिए थी, कहां शमी के स्विंग की चर्चा होनी चाहिए थी, रिवर्स स्विंग की चर्चा होनी चाहिए थी, उनकी टाइट बॉलिंग की चर्चा होनी चाहिए थी, उनके विकेट की चर्चा होनी चाहिए थी, उनकी मेहनत की चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा क्या हो रही है कि जी वो तो सजदा करने जा रहे थे और मिड वे में जाके सजदा उन्होंने रोक दिया। कैसा माइंडसेट है भाई आप लोगों का यार, आप लोग गेम की बात करिए। ये मोहम्मद रिजवान तो नहीं है ना कि जाके नमाज पढ़ेंगे, उनको नमाज पढ़नी है जाके ड्रेसिंग रूम में पढ़ेंगे, मस्जिदें हमारे यहां मस्जिदों में जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इसमें भी कुछ है, तो इस माइंडसेट के आप लोग, मतलब क्या कहूं, करप्ट हो चुके हैं आप लोग कि हर चीज में आपको वही एक ही चीज दिखती है। अरे भाई थोड़ा ऊपर उठिए, गेम देखिए, गेम की बात करिए, बॉलिंग की बात करिए उनके, हमारे बैटिंग की बात करिए, हमारी परफॉर्मेंस की बात करिए। लेकिन नहीं, मैच फिक्सिंग हो रही है जी, मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, मजाक चल रहा है, कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है कि जी फिक्स कर लेंगे कि बैट मेरा है और विकेट मेरा है तो हम दोनों खेल लेंगे, मैं आउट नहीं दूंगा और तू कैच छोड़ दियो और तू आउट हो जाइयो, मतलब ऐसी बातें हो रही है। वर्ल्ड कप है सर, वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, और जिस देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है, उस देश की इज्जत भी लगी है। लेकिन आप लोग अनर्गल बातें करने लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चले जी, वीडियो में देखा, वीडियो था डीडी रिएक्ट का, आलोक सर का, वो बात कर रहे थे एक पाकिस्तानी मीडिया पर। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने मैच फिक्स करके जीता है, लास्ट जो मैच हुआ है श्रीलंका से। क्यों इतने बड़े मार्जिन से जीत मिली है इंडिया को, तो पाकिस्तानियों को शायद हजम नहीं हो रही पाकिस्तानी मीडिया को कि इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इनकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार जा रही है, क्योंकि एक टीम, एक कॉम्बिनेशन बन के टीम गई ही नहीं हमारी, सिलेक्शन भी सही नहीं हुई, ऐसे प्लेयर बीच में मौजूद हैं पता नहीं कि इनको किसने सिलेक्ट करवाया है, और बाकी रही सही तरह से हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही, और जो कप्तानी की एक जंग है वो भी लगता है कहीं ना कहीं शुरू है। इसके बावजूद भी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए था। ये सारे मामले आप इस वर्ल्ड कप से बाद में आके पाकिस्तान में हल कर सकते थे। अब देखें, हमारा जो चीफ सेलेक्टर है वो अभी टीम वहीं पे है, वो इस्तीफा दे रहा है। हमारा जो चेयरमैन है वो अलग अलग तरह के बयान दे रहा है, मीडिया का जो मुंह में आया वो बकवास करी जा रहा है। यही वो चीज है कि हम ये वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे, हम करेंगे नहीं, एशिया कप इधर कराओ, वहां से लेकर ये वर्ल्ड कप खेलने तक हर जगह बकवास की है पाकिस्तान मीडिया ने, और मुंह की खाई है, वो जिसको थूक कर चाटना कहते हैं वही किया। यहां हम सुनते हैं इंडियन मीडिया पे कि थूक के चाट लिया तो बड़ा ही नागवार गुजरता है, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। अब हर एक जगह पे, अब इतनी जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है, 55 में उनको पूरी टीम को ढेर कर दिया है, तो आप भी कर लो यार, आप कर लो तो फिर ठीक है। और हमारा शहीन देखो, वो हमारा देखो, शादाब खान क्या परफॉर्मेंस ही बिल्कुल नहीं है, और नसीम शाह देखो, और कमाल है जी, कोई और कर दे तो फिर आपको हजम नहीं होता। तो थोड़े सी दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़े से दिलों को बड़ा करके देखें, परफॉर्मेंस देखें उनकी, पूरी एक टीम एक जान होकर खेल रही है, और आपकी टीम एक टीम नजर ही नहीं आई, सिर्फ लास्ट मैच बांग्लादेश का और या साउथ अफ्रीका का मैच, वो भी हाफ मैच के बाद से आपकी टीम मैच में नजर आई है, और जब नजर आए तो हर कोई खुल के कह रहा यार ये है पाकिस्तान की टीम, ये है पाकिस्तान का असली वो खिलाड़ी जो खेल में जान डालते हैं। लेकिन आपने वर्ल्ड कप को उसी तरह सीरियस लिया ही नहीं, अफगानिस्तान के हाथों आप हार गए हो यार, वो क्या बात कर रहे हो। अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन टीम बनकर उभरी है और बड़ी बड़ी टीमों को उसने पछाड़ा है, आज फिर वो नेदरलैंड से जीत गई है, तो जीत रही है, जीतने के करीब ही है, लेकिन हम क्या है, और 7 विकेट से और देखें वो पाकिस्तान से फिर टॉप टेबल पे टॉप 4 पे आ गई है, तो हम फिर पीछे आ गए अफगानिस्तान से। अब कह दें अफगानिस्तान मैच फिक्स कर रहा है, तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि क्या ये हमारा मीडिया है, क्या वाकई में ये क्रिकेट की डिबेट करते हैं, ये क्या चूरन बेच। अच्छा यार, एक आवाम की नहीं मुझे समझ आ रही कि देखो खुद मैच देख रहे टीवी पे,
और बाद में पूरा मैच देख लेते हैं, दोनों साइड की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, भाई वो आप फॉर्म में थे वो नहीं फॉर्म में थे, एक जीत गया एक हार गया, क्रिकेट में ऐसा ही होता है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई ये देखो वो इनके माइंड ही नहीं तस्लीम कर रहे कि भाई 55 पे उन्हें आउट कर सकते, वो भी श्रीलंका की टीम को, और जब उन्होंने कर दिया भाई ये तो मैच ही फिक्स है भाई, सारी टीमों को जीत नहीं सकते भाई 55 रन पे, कौन सी टीम आउट होती है, ये कौन सी किसी क्लब की टीम है, ये इंटरनेशनल टीम है भाई जिसको हरा रहे हो। लेकिन वो भी तो देखो ना जो आगे से हरा रहे हैं वो भी इंटरनेशनल टीम है भाई, एक से बढ़ के एक उनके पास हीरा है, और फिर वो जीतेंगे नहीं तो और क्या होगा। फिर हम जो है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि भाई वो क्या है भाई वो मैच फिक्स था इसलिए ऐसे हो गया, नहीं तो इंडिया ना जीता उनसे। बिल्कुल जी, आप देखे सारी टीमों को साथ उन्होंने फिक्स कर दिया, इंग्लैंड को भी कहा गया इतने पैसे ही आ गए उनके पास कि भाई वो हर मैच फिक्स कर, आपने अफगानिस्तान से भी हारना है इसलिए हम आपको पैसे देंगे, आपने जो है ना वो नीदरलैंड से भी नीदरलैंड से तो नहीं हारी हुई इंग्लैंड, बाकी सारी टीमों से हारी है तो आपको हम पैसे देंगे, तो सबको पैसे दिए हैं हारने के भी, इंडिया से भी हारना है बाकी कंट्रीज से भी हारना है। ख्याल है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना बीसीसीआई को दे दे, भाई पैसा ही उनके पास इतना है कि वो हर चीज कुछ भी कर रहे हैं भाई, उनके पास पैसा तो है, उनके पास काबिलियत कभी कहते हैं भाई वो परफॉर्मेंस बॉल चेंज कर देते हैं, कभी कहते हैं विकेट की उखाड़ के नहीं विकेट ही फौरन तब्दील कर देते हैं, केमिकल लगा देते हैं, और कहीं कहते हैं कि भाई वो गेंद को पता नहीं क्या दम करते हैं, गेंद जो बैट्समैन को नजर ही नहीं आती, पता नहीं क्या कर रहे हैं पंडित, पाकिस्तानी है तो भाई कुछ भी कुछ भी कह सकते हैं। और देखिए ये है हमारे मीडिया का हाल, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया यहाँ पे किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरह की रिपोर्टिंग हमें दिखाई जाती है, तो पाकिस्तानियों का माइंड किस तरीके से जो है ना वो चेंज किया जाता है। आप लोगों को पता है कि जो दिखता है वही दिखता है, तो हमारा जो है ना बहुत सारा जो तकरीबन मेरा ख्याल है 80% जो नौजवान है उनके पास जो है ना ये सोशल मीडिया का नहीं है पॉसिबिलिटी, तो उनके उन्होंने उस मीडिया को देखना है, जब उन्होंने मीडिया को देखना है तो नहीं नहीं आजकल हर बच्चे बच्चे के हाथ में है ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है ₹80% हर किसी के हाथ में है, चाहे उसको खाना रात को मिले ना मिले मोबाइल उसके पास होना जरूरी है, क्योंकि इसके जरूरी से जो शापर उठाया था उसके बाद भी मोबाइल है, ये कहना ना चले जी 80% के पास मोबाइल है लेकिन फिर भी वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और इन चीज को प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, ये क्योंकि हमारे दिमाग में असल से भरा ही ये गया है, आपने वहां से नेगेटिविटी ही फैलानी है प्रोपेगेंडा करना है, सोशल मीडिया देख के भी 80% लोग और फिर ये इस बात पे यकीन करते हैं तो फिर पाकिस्तानी उनकी मर्जी है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन मीडिया के जब ऐसी खबर चलती है तो यकीन हमारे दिल से हंसी निकल रही होती है कि यार ये क्या रिपोर्टिंग हो रही है, बिल्कुल हंसी ही निकलती है क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्टिंग है, किसका कोई सिर पैर ही नहीं ऐसे जो ये बोलते रहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर अपनी ठीक नहीं तो दूसरे की भी खराब कह दो दूसरे मैच फिक्स किया हो। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।